आपकी बीवी ने आपको पाने के लिए सारी हदें पार कर ली है, सारे रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया है इसने, ऐसा घिनौना खेल खेला है जिसके बारे में मैं एक औरत होकर सोच भी नहीं सकती। प्लीज प्लीज लाइक बस कर प्लीज। बोलने दे मुझे जुनेद आज। जुनेद तुम कमरे में जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब तुम जाओगे मेरे साथ बस। आंटी आप कैसे बर्दाश्त कर सकती हैं ये सब, इतनी बदतमीजी, इतना सर चढ़ना। आखिर आप जरार भाई को बता क्यों नहीं देती सारी सच्चाई, क्यों नहीं उठा देती इनकी आंखों से गफलत का पर्दा। क्या मतलब? तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे मामले में पड़ने का जुनेरा, मगर किसी को उसकी बर्दाश्त की हद से ज्यादा नहीं आजमाना चाहिए। पहले ही तुम आंटी को जुनेद की मोहब्बत से अलग कर चुकी हो, अब तुम क्यों एक माँ से उनका दूसरा बेटा भी छीन रही हो? क्यों तुम इतनी अंधी हो गई हो अपनी गर्ज के लिए? बकवास बंद करो तुम अपनी। नहीं चुप रहूंगी मैं, और अब तो किसी सूरत चुप नहीं रहूंगी। आंटी आप बताएं जरार भाई को, आज आपको सारी सच्चाई बतानी होगी। क्या मतलब, कैसी सच्चाई? आपकी बीवी ने आपको पाने के लिए सारी हदें पार कर ली है, सारे रिश्तों का तकद्दुस पामाल किया है इसने, ऐसा घिनौना खेल खेला है जिसके बारे में मैं एक औरत होकर सोच भी नहीं सकती। प्लीज प्लीज लाइक बस कर प्लीज। बोलने दे मुझे जुनेद आज, बताने दे मुझे जरार भाई को सारी सच्चाई, हटाने दे मुझे इनकी आंखों से सारे पर्दे। उस दिन महर भाभी को भी जुनेद के कमरे में इसी ने भेजा था, इसी ने ही कमरे को लॉक किया था, सारी प्लानिंग इसी की थी, क्योंकि ये दोनों को बदनाम करना चाहती थी। झूठ बोल रही है ये? मैं झूठ नहीं बोल रही, झूठ तुम बोल रही हो, और फिरदौस आंटी को सब कुछ पता है। अमीर ये क्या कह रही है? ये सच कह रही है जरार। देख लिया तुमने, सुन लिया तुमने सब कुछ, अभी भी रहना चाहते हो यहाँ पर? कुछ नहीं मन पड़ा ना इनसे, तो इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए, मैं क्यों करूंगी ऐसा जरार? अम्मी ये क्यों करेगी ऐसा? आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें पाने, तुम्हें हासिल करने की चाह में इसने ये सब कुछ किया है। मेरे सामने तो ये झूठ बोल ही नहीं सकती, इसने खुद एतराफ किया है, सब कुछ बताया इसने समरा को। पूछो इससे, पूछो, क्या ऐसा नहीं? नहीं अम्मी, आप जानती हैं ना सुनहरा अक्सर गुस्से में ऐसी बातें कर जाती है, इसने ऐसे ही कह दिया होगा, है ना? ऐसे ही कहा है ना तुमने? अम्मी अभी अभी सुनहरा कसम खाएगी। तुम कसम खाओ सुनहरा, तुम कसम खाओ कि ये सब कुछ झूठ है। झूठ बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं। मैं जानता हूँ इल्जाम लगा रहे हैं यार ये, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। तुम सिर्फ अम्मी को यकीन दिलाने के लिए एक दफा बस कसम खा दो प्लीज, सिर्फ एक दफा मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ, कह दो कि ये झूठ बोल रहे हैं सुनहरा, सर पे हाथ रखो, जरा कह दो कि अम्मी झूठ बोल रही है यार, कसम खाओ मेरी, कसम खाओ। इसका मतलब तुम इस तरह नहीं जा सकती, इस तरह नहीं जा सकती तुम। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे, और मजीद मालूमात के लिए +92322733574 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।